नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ टी वाई जी सॉफ्टवेयर ग्रुप को फ्रेश न्यूज कमाल के एपिसोड के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो फोन्स के बारे में। एक फोन है आपका इन्फिनिक्स का लेटेस्ट फोन जो कि बहुत जल्द इंडिया अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपका इन्फिनिक्स का S5 लाइट। एंड सेकेंड फोन है आपका रेडमी का 8। जी हाँ, दोनों फ़ोन आपको 8,000 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। एंड आपको क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए इन्फिनिक्स का S5 लाइट, मतलब क्या वेट करना चाहिए, या फिर लेना चाहिए आपको रेडमी 8। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों फ़ोन के बारे में, जानेंगे कौन सा फ़ोन की स्पेसिफिकेशन है ज़्यादा अच्छी। सो बेसिकली आज की इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार के चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड उस पर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे दोनों ही फ़ोन के स्क्रीन के साइज़ के साथ। तो बता दूं, जहां पे आपको रेडमी के 8 में देखने को मिलती है 6.22 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपके बेस्ड है 270 PPI पर, वहीं पे आपको इन्फिनिक्स के S5 लाइट में देखने को मिलती है 6.6 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपकी बेस्ड है 266 PPI पर। मतलब कि डिस्प्ले की बात करें तो ऑफकोर्स जो आपका इन्फिनिक्स S5 का लाइट का डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा है। एंड अगर आपको बड़ा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट का भी वेट कर लेना चाहिए। इसके आगे बात करें दोनों फ़ोन के, अगर हम लोग रैम और रोम क्या है, तो बता दूं, जहाँ पे आपको रेडमी 8 में देखने को मिलेगी 8,000 रुपये में 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल मेमोरी, वहीं आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट में देखने को मिलेगी 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल मेमोरी 8,000 रुपये में। मतलब कि अगर आपको एक अच्छी रैम अच्छी रोम चाहिए तो आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट के लिए वेट करना चाहिए। इसके आगे बात कर लेंगे हम दोनों फ़ोन के कैमराज के बारे में। तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर रेडमी के 8 में देखने को मिलेगा 12+2 MP का डुअल प्राइमरी कैमरा और वहीं एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ में एक LED फ्लैश। वहीं पर आपको इन्फिनिक्स के S5 लाइट में देखने को मिलेगा 60+2 MP का डुअल कैमरा प्लस एक लो लाइट सेंसर के साथ। वहीं पे आपको बात कर ले फ्रंट कैमरा की, तो बता दूं आपको शॉमी के रेडमी 8 पे देखने को मिलेगा 8 MP का फ्रंट कैमरा। एंड वहीं पे आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट में देखने को मिलेगा 16 MP का फ्रंट कैमरा एक और पंच होल डिस्प्ले के साथ। बात कर ले दोनों फ़ोन के बैटरी बैकअप की, बता दूं आपको शॉमी के रेडमी 8 में देखने को मिलेगा 4000 mAh का बैटरी बैकअप, वहीं पर आपको इन्फिनिक्स के S5 लाइट में देखने को मिलेगा वहीं पे आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट में देखने को मिलेगा 5000 mAh का बैटरी बैकअप। इसके आगे बात कर लेंगे दोनों फ़ोन के, अगर हम लोग प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं आपको जहां पे इन्फिनिक्स के S5 लाइट में देखने को मिलता है देखने को मिलेगा MediaTek का हेलियो P22 वाला प्रोसेसर जो कि बेस्ड है ऑक्टा कोर पे, वहीं पे आपको रेडमी 8 में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 439 वाला प्रोसेसर जो कि बेस्ड है आपका ऑक्टा कोर पे। मतलब बात कर ले ऑल ओवर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस, तो आपको रेडमी के फ़ोन में प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर आपको अच्छी रैम अच्छी रोम चाहिए तो आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट लेना चाहिए। तो मैं कौन सा फ़ोन के लिए आपको करूँगा, तो मैं कहूँगा कि आप इन्फिनिक्स S5 लाइट परचेस कर सकते हैं, वो फ़ोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस, ऐसी और वीडियो देखना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उस पर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।